एंड वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स टीवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैंपियंस लीग में ग्रुप डी की कैटेगरी में होने वाले मैच के बारे में। तो मैच के बारे में आगे बात करें उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो जैसा कि ये मैच लोकोमोटिव मॉस्को वर्सेस बेयर लीवरकुसेन के बीच में खेला जाने वाला है, बात करी जाए इस मैच के वेन्यू की तो ये होने वाला है लोकोमोटिव के होम ग्राउंड पे, और इस मैच में उन्हें होम कंडीशन का एडवांटेज एज वेल एज क्राउड सपोर्ट मिल सकता है। बात करते हैं दोनों ही टीम्स के बीच में खेले गए हेड टू हेड मैचेस की। तो जहां रिसेंट में ही इनके लास्ट दो मैचेस की बात करी जाए तो उनके दो मैचेस में एक मैच लोकोमोटिव की टीम ने विन किया है और एक मैच बेयर की टीम ने विन किया है। तो इस मैच में दोनों ही टीम्स के बीच में काफी अच्छा कंटेस्ट होने वाला है। बात करें दोनों ही टीम्स के रीसेंट फॉर्म के बारे में, तो जहां बेयर की बात करें तो उनके लास्ट सिक्स मैचेस में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा है कंपेयर टू लोकोमोटिव, जहां उन्होंने अपने लास्ट सिक्स मैचेस में तीन मैच उन्होंने विन किए हैं, दो मैच उन्होंने ड्रॉ खेले हैं और एक मैच उन्होंने लूज किया है। दूसरी ओर लोकोमोटिव की बात करी जाए तो उनके लास्ट सिक्स मैचेस में उन्होंने सिर्फ एक ही मैच विन किया है, तीन मैच उन्होंने लूज किए हैं और दो मैच उन्होंने ड्रॉ खेले हैं। तो रीसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए इस मैच में बेयर की टीम आपके लिए फेवरेट्स हो सकती हैं। हालांकि अगर आप लोग ग्रैंडली खेलते हैं तो एक टीम में लोकोमोटिव को आप लोग फेवरेट बनाते हुए खेल सकते हैं। बात करते हैं दोनों ही टीम्स के पॉइंट्स टेबल की रैंकिंग की। तो जहां ग्रुप डी के चैंपियंस लीग के ग्रुप डी की कैटेगरी की बात करी जाए तो ग्रुप डी में लोकोमोटिव की टीम थर्ड रैंकिंग पे है। उन्होंने अपने चार मैचेस में एक मैच उन्होंने विन किया है और तीन मैच उन्होंने लूज किया है। दूसरी ओर बेयर की बात करी जाए तो उनका परफॉर्मेंस भी कुछ सिमिलर सा है चैंपियंस लीग में, जहां उन्होंने अपने चार मैचेस में एक मैच उन्होंने विन किया है और तीन मैच उन्होंने लूज किया है। बात करते हैं दोनों ही टीम्स के पॉसिबल लाइनअप्स के बारे में। तो जहां बेयर के लाइनअप की बात करी जाए तो उनके लाइनअप में राडेकी उनके इस मैच के गोलकीपर होने वाले हैं, जो कि बात करी जाए ग्रैंड लीग में आपके लिए अच्छे ऑप्शन एज वेल एज आपके स्मॉल लीग में भी काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर उसके बाद वैंडल बैंडो ताह बेली डेमिर बे, फिर उसके बाद एरन गुइज बैंडो डायबी वॉलेंड और बेला राबी इनके पॉसिबल लाइनअप का पार्ट हो सकते हैं। बात करी जाए बेयर के लास्ट मैच की तो इन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था अगेंस्ट फ्रीबर्ग, जहां उस मैच में दोनों ही टीम्स के बीच में 1-1 से ड्रॉ रहा था। बात करी जाए उस मैच में जो एक गोल किया गया इनकी तरफ से वो किया था डायबी ने, जो इस मैच में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं टीम से मिसिंग प्लेयर्स के बारे में। तो जहां मिशेल वीजो जूलियन जोएल और डेली आपको इस मैच में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले ड्यू टू वेरियस इंजरी कंसर्न्स, वहीं बात करें नाइडीम की तो इन्हें एक मैच का सस्पेंशन मिल रखा है तो ये डेफिनेटली इस मैच को मिस करने वाले हैं। बात करी जाए काई हावर्ड्स की, जो कि इनकी टीम के काफी बेहतरीन स्ट्राइकर हैं, अगर ये इस मैच को खेलते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हालांकि इनके खेलने के इस मैच में चांसेस 50-50 हैं। बात करते हैं इनके टीम फॉर्मेशन की, तो इस मैच के लिए इनका टीम फॉर्मेशन हो सकता है 3-4-3 का, जहां बात करी जाए डायबी वॉलेंड और बेला राबी इनके तीन मेन स्ट्राइकर होने वाले हैं। बात करते हैं इनकी टीम से बेस्ट पिक की, तो आपके लिए वॉलेंड हावर्ड्स अगर खेलते हैं तो उस पर डायबी बेला राबी और डेमार बे काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करते हैं लोकोमोटिव के पॉसिबल लाइनअप के बारे में, तो उनके लाइनअप में गुलहम उनके इस मैच के गोलकीपर होने वाले हैं, जो कि अगर बात करें ग्रैंड लीग में तो काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर उसके बाद हॉडीज इग्नाट तेज, फिर उसके बाद ड्राइबर्स मुरीलो क्राइचोवियाक एंटन मिरांचुक बारिनोव रिफात एलेस्की और सोमलोव इनके पॉसिबल लाइनअप का पार्ट हो सकते हैं। बात करी जाए इनके लास्ट मैच की, तो इन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था अगेंस्ट टाम्बोव, जहां उस मैच को इन्होंने 3-2 से विन किया था। बात करें उस मैच में जो इनकी तरफ से दो गोल किए गए, उसमें क्राइचोवियाक जो कि इनकी टीम के सबसे बेहतरीन स्कोरर हैं, इन्होंने उस मैच में दो गोल किए, और ओए बोले ने जो कि इनके उस मैच में एज ए सब्स्टिट्यूट खेलने आए थे, इन्होंने उस मैच में एक गोल किया था। तो इस मैच में आपके लिए क्राइचोवियाक काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करें इनकी टीम से मिसिंग प्लेयर्स के बारे में, तो जहां जेफरसन फाफरान जुआउ मारिया फिर उसके बाद बोरिस और ल्यूका आपको इस मैच में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले ड्यू टू वेरियस इंजरी कंसर्न, वहीं कोल्यूका की बात करें तो इस मैच में ये डाउटफुल हैं, इनके खेलने के चांसेस 50-50 हैं। बात करें इनकी टीम फॉर्मेशन की, तो इस मैच के लिए इनका टीम फॉर्मेशन हो सकता है 4-4-1-1 का, जहां सोमोलोव इनके मेन स्ट्राइकर होने वाले हैं।
बात करें इनकी टीम से बेस्ट पिक की, तो जहां क्राइचोवियाक ने अपने लास्ट 15 मैचेस में 8 गोल उन्होंने किए हैं, वहीं सोमलोव की बात करें तो इन्होंने अपने लास्ट 12 या 13 मैचेस में 3 गोल और 3 असिस्ट किए हैं। एलएस की मिरांचुक की बात करें तो उन्होंने 4 गोल और एडर ने 4 गोल किए हैं। तो ये सारे ही प्लेयर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि एडर के खेलने के चांसेस काफी कम है, बट फिर भी जो ये 3 खिलाड़ी बचते हैं इनमें आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन भी रोटेट कर सकते हैं। बात करें हमारे प्रिडिक्शन की, तो जैसा कि ये मैच काफी अनप्रिडिक्टेबल सा होने वाला है, बट रीसेंट फॉर्म को देखते हुए मुझे लगता है ये मैच बेओ की टीम 1-0 से विन कर सकती है। तो चलिए बात करते हैं हमारी ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो टीम के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लाइनअप आने के बाद जो हमारी फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। या फिर अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइनअप आने के बाद जो हमारी टीम होती है फाइनल, वो आपको हमारे टेलीग्राम एज वेल एज यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन दोनों पे ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बात कर लेते हैं हमारे गोलकीपर सेक्शन की। तो अगर आप लोग सेफ जाना चाहते हैं तो मे बी राडेकी को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बट जैसा कि ग्रैंड लीग अगर आप लोग खेलते हैं तो आप लोगों के लिए गुइलहम काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और बात करी जाए रेटिंग के हिसाब से तो गुइलहम आपके लिए एक बेहतरीन गोलकीपर हो सकते हैं। बात करें डिफेंडर सेक्शन की, तो डिफेंडर सेक्शन में आपके पास काफी सारे ऑप्शन है जहां आप लोग वीजर को ट्राई कर सकते हैं, बट अभी के लिए जो हमने 3 डिफेंडर लिए हैं उसमें हमने वैंडल को लिया है, राइबस को लिया है और हमने हॉडीज को लिया है। आप लोग चाहें अगर कोल्यू का इस मैच में, जैसा कि इनके खेलने के चांसेस 50-50 हैं, बट इन केस अगर खेलते हैं तो काफी अच्छे पिक हो सकते हैं। वहीं बात करी जाए हमारे मिडफील्डर सेक्शन की, तो मिडफील्डर सेक्शन में हमने हावर्ड्स को लिया है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा है ये काफी बेहतरीन प्लेयर है, बट इनके इस मैच में खेलने के चांसेस अभी भी 50-50 हैं, तो इसलिए अभी के लिए हम इन्हें ड्रॉप करते हैं और इनकी जगह हम डेमिर बे को लेते हैं। बट इन केस अगर हावर्ड्स खेलते हैं तो आप लोग इनको डेफिनेटली अपनी टीम में पिक कीजिएगा। तो अभी के लिए जो हमने 5 मिडफील्डर के प्लेयर लिए हैं उसमें हमने क्राइचोवियाक, एलेस्की, डेमिर बे, बेलार राबी और हमने एंथन को ट्राई किया है। दूसरे ऑप्शंस की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए बारिनोव ठीक ऑप्शन हो सकते हैं, आप लोग चाहें तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं। और वहीं दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो मे बी आप लोग रिफात को, जैसा कि इनके खेलने के चांसेस नहीं है इस मैच में, तो आप लोग इनको ड्रॉप करिएगा। तो ये हो जाते हैं हमारे मिडफील्डर के 5 ऑप्शंस। बात करें स्ट्राइकर सेक्शन में, तो स्ट्राइकर सेक्शन में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस लेफ्ट रहते हैं, जहां जिनमें से आप लोग वॉलेंड और सोमलोव को ट्राई कर सकते हैं। तो बात करें टीम के प्रीव्यू की, तो हमारी टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरह से है, जहां कैप्टन के तौर पे हमने क्राइचोवियाक को हमारा कैप्टन बनाया है और वाइस कैप्टन हमने वॉलेंड को रीसेंट फॉर्म को देखते हुए बनाया है। वेल दिस इज ऑल फ्रॉम अस, थैंक यू, गुड बाय।